Hello students, continuing the chapter Chemistry in Daily Life, in this video we will be studying about soap, detergent, their differences, function and their types. You all must have studied about soap detergent difference in class 10th. Now I will be explaining the same in brief. So without any further ado, let's get into the video. चलिए बच्चों क्लास 10th की तरफ बढ़ते हैं अपन. सबसे पहले देख लो कि सोप और डिटर्जेंट में मेन डिफरेंसेस होते क्या है, ठीक है? तो आप लोग इसका फंक्शन अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? देखिए सोप एंड डिटर्जेंट. सोप जो है, सबसे पहले इनका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. सोप का फॉर्मूला है C17H35COONA. ये माइनस और ये प्लस, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, क्लियर? अच्छा, डिटर्जेंट पे आते हैं तो इसका फॉर्मूला आप कैसे सीखोगे? CH3CH2 टेकन 10 CH2, देन आएगी रिंग, उसके बाद SO3 और Na. ये माइनस और ये प्लस. सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट, ये आप लोगों को याद होना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि दीज कंटेन ऑयल एंड आर नॉट गुड क्लीनिंग एजेंट. ये गुड क्लीनिंग एजेंट नहीं है जितने डिटर्जेंट हैं, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर यदि अपन आए तो सोप जो है कैन नॉट बी यूज विथ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर के साथ ये काम नहीं करते, ठीक है? जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं. अगला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि देयर एक्वा सॉल्यूशन इज अल्कलाइन. ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है? और ये जो है वो न्यूट्रल होता है, क्लियर? ओके, एक पॉइंट और याद रख लेना, लास्ट पॉइंट, कि सोप्स कैन नॉट बी यूज विथ एसिडिक वाटर, और ये आप यूज कर सकते हो, और ये नॉट, क्लियर? मींस ये बेटर है, बेटर क्लीनिंग एजेंट है, और सोप जो है वो उससे कम है, क्लियर? ठीक, चलो बच्चों आ जाओ फटाफट. अब हम नेक्स्ट टर्म बताते हैं, वो है सेपोनिफिकेशन. नाम से समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, ठीक है? देखो कैसे इसकी इक्वेशन होगी और सोप आप कहते किसको. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया डिफरेंस में, अब देखो उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है? देखो किसको, C17H35COONA, ये प्लस ये माइनस, ये है सोप. इसको आप बनाओगे कैसे, देखो सबसे पहले क्या करो कि एसिटिक एसिड तुमको मालूम होना चाहिए CH3COOH, इसको आप एसिटिक एसिड बोलते आए हो, ठीक है? अब क्या करो, इसके 3 पार्टिकल्स ले लो, ले ली. अब क्या करो, इसमें से इस एच को कर दो रिमूव और इसकी जगह आने दो C17H35, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन एक एल्काइल ग्रुप है जो इस एच को रिप्लेस करेगा, ठीक है? ऐसे 3 एसिटिक एसिड ले लो और हाइड्रोजन को रिमूव करो C17H35 से और तीनों एसिटिक एसिड्स के पार्टिकल्स को फिर आपस में जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेरिक एसिड या फैट या ऑयल. देखो कैसे, जैसे एक एसिटिक एसिड लिया, उसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया CH2COO और ये एच गया और ये आ गया C17H35. ये जो रिमूव हुआ ये दूसरे एसिटिक एसिड से ज्वाइन हो जाएगा. अब ये जो एसिटिक एसिड का पार्टिकल था ये इससे भी जुड़ेगा और एक और नीचे जुड़ने वाला है, इसीलिए उसके 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे, तो बचेगा कितना, 1. बाकी सेम COOC17H35. थर्ड एसिटिक एसिड का पार्टिकल लो, उसका एक एच रिमूव हुआ जो इससे ज्वाइन हो जाएगा, बचा क्या, CH2COOC17H35, क्लियर? तो 3 एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स इस तरह से मॉडिफाई होकर के आपस में ज्वाइन हो गए. अब इसको हम बोलेंगे ये है फैट, या आप इसको बोल सकते हो ऑयल, या बोल सकते हो स्टेरिक एसिड, ठीक?
अब इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कितने पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या कि देखो तीन सोडियम है और तीन OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप आकर के एक इधर और एक इधर आके लग जाएगा और वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो रिमूव होगा इसकी जगह आकर के सोडियम लग जाएगा। तो बना क्या देखो C00C17H35 और सोडियम, ठीक। ऐसे कितने, ये अलग हो गया, ये अलग और ये अलग, तो बना सोडियम इधर C00C17H35 और कितने पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा है, मींस ये पूरा और ये सोडियम का पार्ट। जब आप इसको तरीके से करोगे तो कितने बन गए, तीन पार्टिकल्स इसके और ये कहलाएगा तुम्हारा सोप, ठीक है। देखो यही चीज है, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। और प्लस जो बनेगा क्या बनेगा, देखो एज इट इज उतारो इसको, CH2 देन ज्वाइन है ये CH, देन ये फिर इससे ज्वाइन है या बॉन्डेड है CH2, ठीक। और OH कितने, तीन, एक यहाँ आके लगा, एक यहाँ आके लगा, एक यहाँ आके लगा। तो ये जो चीज बनी, ये जो फॉर्मूला है, ये है ग्लिसरॉल। क्लियर हुआ, तुमको मालूम है सोप जो है वो चिकना सा होता है, क्यों होता है मालूम है, इसके प्रेजेंस के कारण, इस ग्लिसरॉल के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। एक चीज और हमेशा याद रखना कि जहां कहीं भी एक OH ग्रुप होगा उसको आप बोलोगे एल्कोहल, एल्कोहल एक होगा जहां पर, जहां जहां पर यदि दो OH ग्रुप तुमको दिखे उसको आप बोलोगे ग्लाइकोल, ठीक है। और तीन OH ग्रुप यदि तुमको मिल जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्लिसरॉल, और ये कैसा होता है, ग्लिसरी होता है, ठीक है। तो सोप में इसके प्रेजेंस के कारण ही वो थोड़ा ऐसा ग्लिसरी है, चिकना सा आपको फील होता है। तो ये बना सोप, तो सोप का बनना सैपोनिफिकेशन। क्लियर हुआ, गुड।